दोस्तों, हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो काम कम करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, ऐसा काम जो कानों को सुनने में मजा आता है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा। शांतनु जी, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, ऐसी फिल्मों के बाद ऐसे लगा था कि शांतनु मोइत्रा भी एक बहुत ही बिजी म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे। ही विल बी फ्लडेड विद ऑफर्स। तो ऑफर्स कम आए या ऑफर्स आपने कम सिलेक्ट किए? पता ही नहीं ऑफर्स आए कि नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं पहाड़ में चला गया था जहां पे सेलफोन कलेक्ट नहीं होता। सो अच्छा, आप आई पहाड़ों का नो, ज्यादा शौक रखते हैं बिल्कुल बजाय के संगीत का। हाँ, मतलब कि संगीत वहां पे भी है। मुझे लगता था कि मैं दिस इज हाउ आई सी, कि आपको पता है कि स्पेशली थ्री इडियट जैसे फिल्म में काम करने के बाद, फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई नीड डिटॉक्स। तो आई जस्ट लाइक दैट सुकून एंड दैट सिंपल लाइफ देयर, एंड ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग। और यही है कि मैं शायद उतना काम कर ही नहीं सकता एज अ पर्सनैलिटी, उतना ही कर सकता हूँ जो मैं हैंडल कर सकता हूँ। और मैं इवन आफ्टर परिणीता, उस समय मैं बॉम्बे था तो मुझे पता था मेरा मोबाइल फोन कितना बजा था, पर मुझे बहुत डर लगता था कि यार ये बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं सो दैट्स हु आई एम। बट फिर म्यूजिक का शौक कैसे हुआ? ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग वाले इंसान को थोड़ा संगीत का? तो जेनेटिक अच्छा। है। हम बनारस के हैं, तो पिताजी एक सरोदिया फैमिली से हैं, माँ लखनऊ की हैं, वहाँ पे कथक नाच, तो एक एक जेनेटिक तो है ही हम में। बट जो एक साधारण परिवार, बंगाली परिवार का होता है कि उन्होंने, पिताजी ने इतना इतनी गुरबत देखी थी बिकॉज ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, सो ही वॉन्टेड कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ। वो सब हुआ, फिर मैं बैंक में नौकरी करना शुरू किया, फिर विज्ञापन में, मतलब ब्रांड मैनेजर। पर ये सब करते करते शायद कहीं पे एक जिंगल नाम का एक चीज है, वो उससे मेरी एक एक मुलाकात हुई। और मेरा पहला जिंगल था, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, जो कि बहुत 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 हिट हुआ एंड दैट स्टार्टेड द कॉन्फिडेंस योर जर्नी। कि यार यहाँ पे संगीत भी हो सकता है, पैसे भी बना सकते हैं। तो मतलब शौकिया था संगीत, बिल्कुल लेकिन वो मनी मेकिंग हाँ, एंटरप्राइज एक भी हाँ, बन। मैं अपना एक जिंदगी कर सकता हूँ बेस्ड ऑन म्यूजिक। ये कॉन्फिडेंस मेरे को अंकल चिप्स के ऐड के बाद आया। अच्छा, और फिर जिंगल्स बनाते रहे आप? जिंगल्स बनाते रहे, दिल्ली में था, मैं दिल्ली का बाशिंदा हूँ। दिल्ली में एक बहुत सुनहरा जगह है, उसका नाम है चितरंजन पार्क। वो बंगाली है, बंगाली जगह है। वो कलकत्ते के बाहर सबसे बड़ा ज्यादा बंगाली कॉन्ग्रीगेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज बंगाली। तो ओके आप सोच सकते हैं कि इन एनी वे ऑलमोस्ट आई वॉज इन अ बंगाली कॉलोनी करेक्ट। एनवायरमेंट। सो मेरा जो भी इन्फ्लुएंसेस, मेरे जो भी खाना पीना, स्पोर्ट्स, वॉज ऑल लाइक बंगालीज। उस समय बहुत दिन मेरे मेरे जिंदगी में सब कुछ लेट ही होता है, तो समझ ही लेट आता मुझे बहुत कुछ। तो ये समझ आया कि यार अब तो बहुत दिन हो गया जिंगल, लोग चारों तरफ बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे अब 30 सेकंड से कुछ और भी करना चाहिए। देन द डिजायर टू डू एन एल्बम केम, एंड बस एक ही आवाज उस समय जो मैं बिल्कुल पागल था, दीवाना था, शुभा मुद्गल जी का। जी, और फिर उनके साथ उन्होंने, मैंने एक एल्बम किया, उसका नाम था आपके सामने। जो कि वापस बहुत बहुत पॉपुलर हुई, हाँ, बहुत चली एल्बम। बहुत चली एल्बम, और देखिए कैसे कनेक्शंस होते हैं। हाँ, और हुआ ये कि ये एल्बम जो था वो जावेद साहब ने, जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब ने ही हर्ड इट, उनको बहुत पसंद आया। उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ। तो इनफैक्ट होली वोली में बहुत बजा उनका। और दिल्ली का क्या है, मजा है कि वो आप बिल्कुल ये ग्लिटरेटी से बिल्कुल दूर है, हमको कुछ पता ही नहीं है, तो आपको पता था कि आपकी पॉपुलर बिल्कुल नहीं एल्बम पता इतनी था। पॉपुलर नो होगी? नथिंग, नो यू नो, वर इंटरनेट अनअवेयर। का दैट वाज नॉट टाइम आल्सो। तो आपने वो एल्बम कट की, एल्बम निकाली फिर और आई भूल पुल इट, गए? फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, मूव्ड ऑन। सो देन आई एक कुछ दिल्ली में कुछ था, उसके बुक लॉन्च था, उसके बाद वो आए, समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम और तो जावेद साहब। जावेद साहब। मैंने कहा कि और क्या करते हो ये वो। तो इनफैक्ट आई वॉज सो शाय अबाउट माई म्यूजिक पार्ट ऑफ इट, मैंने उनको बोला कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। अच्छा, तो हाउ कम हियर? मैंने कहा नहीं, मैं संगीत का शौक रखता हूँ। तो किसी ने बताया कि इन्होंने एक मेड है आपके सावन, तो ही लुक्ड एट मी, उनका जो एक लुक होता है, तो ये सेड कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू।
जस्ट डोंट गो. तो जब हो जाता है उन्हें, तुमने आपके समझ बनाया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर खुश हूँ यहाँ पे. नहीं नहीं बम्बई आओ. नहीं बम्बई नहीं आना, डर बहुत डर लगता है वहाँ पे. नहीं 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 यू विल बी वेस्टेड आउट हियर, कम देयर. सो एक्चुअली आई रियली माई आई फुल क्रेडिट टू जावेद साहब दैट ही केप्ट ऑन कॉलिंग मी. जावेद साहब वॉज वेरी क्लोज टू सुधीर मिश्रा जी एंड टोल्ड सुधीर दैट एक नया लड़का है दिल्ली का जो बंबई नहीं आना चाहता, पर अगर किसी तरह तुम काम के लिए अगर उसको यहाँ बुला सकते हो तो तुम्हारा नया पिक्चर जिसका नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसमें तुमको एक नया रंग मिल सकता है. थैंक्स टू जावेद साहब सुधीर. बात है तो मुझे लगा कि मैं एक महीने के लिए आऊंगा और काम करके चले जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे माचे जोल भात, थोड़ा फुटबॉल खेलना, थोड़ा अड्डा मारना जो बंगालियों का होता है, ये सुकून की जिंदगी. तो सर वो बस एक महीना जो था वो अब 12 साल हो गए. वो गलती मैंने कर ली. मगर काम से फिर इतना डर क्यों? सर इट फॉर मी दिस इज लाइक दिस बिकॉज आई एम फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड. तो मेरा कुछ नजरिया शायद ब्रांड पोजीशनिंग का कुछ चलता है. मुझे लगता है कि जहां भीड़ है वहां से मैं दूर रहता हूँ. अच्छा. और उसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि किसी भी क्रिएटिव आदमी के लाइफ में अल्टीमेटली ही इज नॉट रिमेम्बर्ड फॉर द नंबर ऑफ थिंग्स ही डिड, फॉर द क्वालिटी ऑफ थिंग्स ही डिड. और मुझे अगर लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अगर करूंगा शायद मेरे क्वालिटी को फर्क पड़ सकता है. इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट, नंबर वन. मैं सुप्रीमली कॉन्शियस हूँ. दूसरा है कि मेरे पिताजी एक कमाल का एक उनका थॉट है जो मैं बहुत आई एम वेरी क्लोज टू दैट थॉट. वो है कि हम जो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, आप भी रिकॉर्डिंग, आप जो कर रहे हैं वो फॉर एवर हिस्ट्री में जाएगा, पोस्टेरिटी के लिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हिस्ट्री. ऐसा ना हो कि आज से 100 साल के बाद कोई एक रिसर्च करे कि यार उस समय देखते हैं कि क्या बॉलीवुड में कैसे गाने चल रहे थे, और गलती से अगर उसने मेरा गाना निकल दिया, आई शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी दैट टाइम. आई एम सुप्रीमली कॉन्शियस अबाउट दैट सर. तो आपको रिझाने के लिए कि ये फिल्म साइन कीजिए, उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? दोस्त, मुझे लगता है कि एक कमरे में जब आप और मैं बैठे हैं एंड यू आर द डायरेक्टर एंड आई एम द म्यूजिक डायरेक्टर, ये होल बिजनेस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मैंने सपोज कहा कि पीयू बोली पिया बोली, आपने कहा कि यार ये अच्छा है पर थोड़ा डेटेड है. शायद आप सही कह रहे हैं, बट इफ आई डोंट ट्रस्ट यू, इफ आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद यू, इफ आई डोंट वैल्यू यू, मुझे लगता है यार ये कौन है मेरे सब बोलने वाला. और रिश्ता में टूट गया. पर अगर आप दोस्त हैं, आई विल कंसिडर, नहीं कि नहीं यार इंटरेस्टिंग कुछ बोल रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज ऑन दैट पीयू बोले पिया बोले आई विल ऐड अ लिटिल वैलिन ऑन टॉप टू मेक इट समथिंग डिफरेंट. सी दिस इज इट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस. एक ही बात चुप सकती है, एक ही बात मैं इंप्रूव कर सकता हूँ. इसलिए मुझे लगता है दोस्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट कॉल अप एंड से देयर इज अ फिल्म एंड कम एंड डू इट. वो क्या होता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं होता. और आप अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन मूवीज देखें, जो अच्छे गाने हैं वो एक कमाल की दोस्ती से बनी है. लिरिसिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर साथ में बैठे हैं, अड्डा हो रहा है, वहां से गाना निकलता है. क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके नहीं हो सकता. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, वो माहौल होना जरूरी है दोस्ती का. वेरी वेरी इजी एटमॉस्फेयर. यू आर क्रिएटिंग समथिंग. इट्स एन अमेजिंग, वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड है कि क्रिएशन is actually proof that there is God up there. सही बात. और उसको celebrate करना चाहिए. उसको हम रोज अगर एक भेड़ चाल में अगर वैसे ही creative creation होता रहे, उसका हमारे नजरिए में value कम हो जाता है. और जावेद साहब के साथ काम करने का मौका मिला कि नहीं? Actually, surprisingly नहीं. This is really shocking. Surprisingly नहीं. And we still talk about it. We have done one and off. एक फिल्म किया था हम लोगों ने साथ में अहमद से, वो जो रिलीज नहीं हुआ था, उसके गाने हमने किए थे. ये कौन सी फिल्म है? ये था, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड प्यार के गीत. बहुत दिल्ली में था उस समय. सो फिल्म डिडंट गेट रिलीज्ड. दिस वाज अ रियलिटी कि ऐसे भी होता है. तो जावेद साहब ने मुझे समझाया, नहीं बेटा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. बट आई थिंक दैट म्यूचुअल ट्रस्ट, दिस थिंग, ही इज बीन देयर थ्रू आउट इन अ वेरी स्ट्रेंज वे. मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल,
व्हेन पहले मीटिंग में मैं विद्युत चोपड़ा साहब के साथ मिलने जा रहा था परिणीता, इट्स अ काइंड ऑफ कोइंसिडेंस. मैं अभी उनके ऑफिस में घुसा ही नहीं था, मैं बाहर था, मेरा फोन बजता है एंड जावेद साहब का फोन था एंड ही टोल्ड मी कोट अनकोट, मुझे अभी पता लगा कि आप विद्युत चोपड़ा के साथ काम कर रहे हैं, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपका जो भी ख्वाहिश था कि आप दिल्ली में जाएंगे वापस, वो अभी छोड़ दीजिए, आप नहीं जा सकते, आपका अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिंदगी का. अमेजिंग. So he's always been there. He's always been observing. He's always been there, and I'm deeply indebted to him. So, वापस actually अब दिल्ली जाने का मन करता है या आपकी राजधानी यही बन गई है? देखिए, my parents stay there, so I have and my school, childhood memories are all from Delhi. Of course. But मुझे लगता है कि I have met some wonderful professionals. ऐसे ऐसे लोगों को के साथ मुलाकात हुई है thanks to माई प्रोफेशन, जिनको मैं पहले रेडियो में सुनता था. जब कभी सोचा ही नहीं था कि इनके साथ बैठ के एक ही जगह पे चाय पी सकते हैं. सो आई एम, ये भी कुछ सपने हैं. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर कि एक्चुअली दिल्ली में ना हम लोग चार लोग थे, चार जो वर नॉट रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड एट ऑल, बट कोइंसिडेंटली वी हैव कम टुगेदर. माई फर्स्ट एल्बम वॉज The lyricist was Prasoon Joshi. Okay. So Prasoon was in an advertising agency, In my agency, my copy partner, I was in the servicing, the copy partner, his name is Jaydeep Sahani. Oh. And Jaydeep's copy assistant was Dibakar Banerjee. Oh my God. So we were all from the same, hum sab saath mein lunch khate the, ye karte the, aur कभी ये नहीं सोचा था कि फिल्म लाइन में हम, यही सोचा था कि यार एक दिन जू के होर्डिंग में हमारा नाम होना चाहिए. एंड अभी भी जब भी स्पेशली प्रसून के साथ जब भी होता है कोई पिक्चर जब आता है तो एक ऐसे मिल जाता है कि यार होर्डिंग में तो मेरा नाम देखा मैंने. लाइक अ साइलेंट जोक. सो आई थिंक या इट इज वंडरफुल टाइम्स एंड थैंक्स टू बॉम्बे आई थिंक मेनी ऑफ दीज ड्रीम्स हैव कम ट्रू. एंड ट्रैकिंग वगैरह के लिए बिल्कुल, देखिए अभी भी है. हुआ क्या है सर कि म्यूजिक करते करते मेरा एक्चुअली माय मेन लव इज लोक संगीत, और लोक संगीत को आर्काइव करना, उसको प्रोटेक्ट करना. मैं शायद कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूँ, बट मैं आई बिलीव इन इट कि करेंटली आर कंट्री इज कंज्यूम्ड बाय फिल्म म्यूजिक. और मुझे लगता है, और मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कि किसी भी देश के आर्ट स्पेशली उसका जो पहचान है उसका फिल्म संगीत नहीं हो सकता कभी नहीं. फिल्म संगीत इज अ डेरिवेटिव ऑफ अदर थिंग्स. और देखिए फिल्म संगीत तो अपना काम कर ही रहा है, वो एंटरटेन कर रहा है. बिल्कुल. बाकी लोगों ने अपना काम क्यों बंद कर दिया है? मेरा माय मिशन स्टेटमेंट नाउ हैज बिकम दिस, दैट आई गो देयर, रिकॉर्ड स्टफ एंड ट्राई एंड गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज टेलिंग देम कि ये जो आप देख रहे हैं All is well is a 2 month old tune and you love it. This is a 400 old tune. 400 year old. तो 400 साल जो पुराना है वो बुरा नहीं हो सकता. उसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करें और उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर ये निकल गया तो All is well कुछ नहीं कर सकता. Oh my God. So you are in a way trying to revive folk music. Correct. Okay, correct. जिसकी वजह से आप शायद folk singers को अपनी फिल्मों में गाने का मौका भी देते हैं. और मेरे संगीत में आपको वो भी मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो बिगनिंग लाइन बेती हवा सा था वो, ये बिल्कुल भाटियाली है. दिस इज भाटियाली, इज भाटा इज अ प्लेस इन सुंदरबंस. अ लॉट ऑफ एसडी बर्मन्स म्यूजिक इज आल्सो फ्रॉम दैट रीजन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड भाटियाली, फ्रॉम द लैंड ऑफ भाटा. सो आई एम कॉन्स्टेंटली डिराइविंग देम एंड यूजिंग देम. और इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है जब हम बोलते हैं कि नहीं यार लोक संगीत थोड़ा बोरिंग है, मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, उसको रिपैकेज करना पड़ेगा, उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर. बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द आर्ट फॉर्म. तो हर फिल्म में आप कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ, कोशिश अगर अपॉर्चुनिटी है तो आई, माई बिगेस्ट प्लेस टू यूज दैट वॉज हजारों ख्वाहिशें ऐसी. मध्य प्रदेश का फोक यूज हुआ था, और सिर्फ मैं नहीं, इट्स बी एक चले आ रहा है, राइट फ्रॉम अनिल विश्वास टू एस डी बर्मन
टू सनील चौधरी, बिकॉज वी कैनॉट एज कंपोजर्स वी कैनॉट डू विदाउट इट. कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत परेलाल, अमाउंट ऑफ फोक दैट दे हैव यूज्ड इज इनक्रेडिबल. हमको सिर्फ प्रॉब्लम है कि हमको जब फोक दिखता है हमको लगता है भिनभिनाती हुई मक्खी, कोई गरीबी गुरबत, कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ है. दिस इज द इमेजरी दैट हैज बीन टर्न्ड. एंड व्हाई, व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. क्या होता है कि जनरली व्हाट हैपेंस इज वी रिजेक्ट समथिंग बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट. इट्स एन इंस्टेंट वर्ल्ड नाउ. SMS आ रहा है, हम बोल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि अच्छा ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा नहीं है. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ. टैगोर हैड, रविंद्रनाथ टैगोर हैड गॉन टू पेरिस. उन्होंने अपने एक सिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं एक ओपेरा देखने जा रहा हूँ. बहुत सुना है ओपेरा के बारे में. आज पहली बार ओपेरा देखने जा रहा हूँ, आई वेरी एक्साइटेड. उसके 20-25 दिन के बाद, उतना टाइम लगता था चिट्ठियों में, एक और चिट्ठी आते हैं कि बात कुछ करने के बाद एंड में आता कि आज बाय द वे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ओपेरा देखने जा रहा हूँ. तो बहन ऐसा हुआ कि ओपेरा मजा नहीं आया, पता नहीं क्या चिल्ला रहे थे, ये हो रहा था. और हमारे देश में संगीत सुनते हैं, यहाँ पे तो लोग संगीत देखते हैं, समझ नहीं आया, मजा नहीं आया. पर मैंने जब अपना सर घुमाया तो देखा उस ऑडिटोरियम में 600-700 ऐसे लोग थे जो बिल्कुल वाहवा कर रहे थे. तो बहन मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रोज ओपेरा देखूंगा जब तक मैं भी उन 600 लोगों के साथ ना हो जाऊं. वाओ, टॉलरेंस. आई थिंक आर्ट फॉर्म का टॉलरेंस हमारा भी ओवरऑल कम हो गया है. एंड यू विल सी दैट एज एन एक्सपर्ट ऑन फिल्म्स दैट वी हार्डली गिव टाइम. अगर इंस्टेंटली अच्छा लगा तो ठीक है, ये तो नहीं तो लेट्स मूव ऑन, व्हिच इज ग्रेट. But it's also dangerous. Correct. Do you find yourself in the minority in this industry? Because yahan par everything is weighed and measured in terms of kitna hit hua, kitna super hit hua, kitna baja, kitne selling points. So I'm in a very strange place, sir. Uh-huh. It's like that. I'm fortunately working with friends who probably like this fact that I'm not around. And also, you cannot deny that by fluke, maybe. Some of my songs have become very popular. Not by fluke, by talent. Because therefore, I'm aisa nahi hai ki, which is why I say this more emphatically, that when I see a phenomenal hits of a song called All Is Well, it also makes me from that power comes this thing ki nahi, aise bhi kamal gaane hain जो शायद रिंगटोन में नहीं चढ़ते, पर वो यू कैनॉट टेक अवे द फैक्ट दैट दे आर एक्सेलेंट सॉन्ग. एक्सेलेंट सॉन्ग्स, एग्जैक्टली. शांतनु जी, कोइंसिडेंस कहिए, आई डोंट नो, देर हैव बीन पॉलिटिकल अंडरटोन्स, कभी कभी पॉलिटिकल ओवरटोन्स इन द फिल्म्स यू हैव डन. दिस इज बाय चॉइस या इत्तेफाक से आपको मद्रास कैफे एंड ऐसी फिल्में ज्यादा मिली है? आई एम फ्रॉम अ सिटी व्हिच इज द कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स. आई एम फ्रॉम दिल्ली. करेक्ट. मुझे लगता है कि I'll tell you about Madras Cafe. Ek Sujit is my friend because I did his first yaha. We used to play football together. Correct. So, bahut important tha. Those things. Madras Cafe is something which I believe in. Generally, main koshish karta hun, jo films karta hun, main believe karun uspe. Achha. Something that I would like to see, something I believe in. Aise kuch baat ho jisme jo I relate karta hun. Madras Cafe I believed in. Mujhe abhi bhi wo din yaad hai jab Prime Minister ka assassination hua tha. And at that age also, I wondered, he was in opposition, why did he have to die and how did he die? I think a film like Madras Cafe opens a lot of things. Zaruri hai. Ye questions, because jitna powerful medium hum baat kar rahe hain, itna powerful medium hai, jab ringtone ek aadmi ka shock change kar sakta hai. So aap samaj sakte hain ki when it comes to an ideology, cinema kitna powerful hai. And I think Madras Cafe, jaise films banna, and I must, again example, audience, an intelligent audience, a sensitive audience, Madras Cafe mein aisa kuch nahi hai jo hit ban sakta hai. Correct. Par tab bhi wo film chali, aur wo film isliye nahi chali kyunki usme kuch ringtone wale gaane the. Correct. Ya koi item number tha, ya kuch tha, kuch nahi tha. Usme jo content tha, people related to it, and it honest was content tha. So there is hope. करेक्ट, एग्जैक्टली. एंड आखिर में शांतनु जी, मुझे ये बताइए, आपके फादर जैसे क्लासिकल म्यूजिक एक्सपोनेंट थे, आपकी मदर, आपने बताया, कथक सीखा था एंड ऑल दैट, कभी उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा जाकर बॉलीवुड में नाम कमाएगा? एंड हाउ हैव दे टेकन टू दिस प्रोफेशन ऑफ योर्स? आई गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग आंसर टू दैट. मैंने आपको बताया कि दिल्ली में चितरंजन पार्क में वो रहते हैं,
तो आई एम ऑलवेज कॉन्शियस कि मैं ऐसा काम ऐसा कुछ क्रिएट करूं फिर मैं फादर का एक अप्रूवल हो कि नहीं यार दिस इज अ गुड टू गुड. अब उनका क्या नजरिया है मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता, बट एक इंसिडेंट से पता चला व्हेन माय मदर कॉल्ड मी अप कि टुडे योर फादर वाज वेरी हैप्पी कि मछली के दुकान में मछली वाले ने उनसे उनको डिस्काउंट दिया क्योंकि उनको पता चला कि मैंने परिणीता के गाने किए थे. स्वीट. सो फॉर हिम दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट कि उनको मछली में डिस्काउंट मिला थैंक्स टू हिज सन्स बिकॉज़ ऑफ हिज सन्स अचीवमेंट्स. करेक्ट. फैंटास्टिक. मगर डिस्कस होता है कभी. आई कमेंट ऑन या एंड ही इज क्रिटिकल एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग मी कि देयर इज अ इजी वे आउट एंड देयर इज अ डिफिकल्ट रूट. आई नो व्हेन यू आर इन प्रेशर एंड आल्सो इजी वे बट थोड़ा सा पुश करो ताकि कहीं से कुछ राग बेस कुछ घुस जाए कहीं से कुछ लोक बेस क्योंकि दैट लॉन्जिविटी ऑफ दैट म्यूजिक वो बढ़ जाती है. एंड ही सेज कोशिश करो नहीं होता नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट बट आई एम श्योर इफ यू फाइट इट. हमने फाइट करना छोड़ दिया कि यार हमको छह पिक्चरें करनी है कौन बैठ के फाइट करेगा कि यार ये सुनिए ये सो फटाफट कर ले लेट्स टू मिनट नूडल्स वाला. वी आल्सो डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन जो हमको कुछ बताए कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा ऐसा कुछ दो जो सबको अच्छा लग रहा है. सो व्हेनेवर समथिंग इज वेरी सेफ जनरली देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट आर्ट. और आप जो माउंटेन क्लाइंबिंग में यकीन रखते हैं आप कोई सेफ रूट तो ले ही नहीं सकते हैं. हाँ, you have to strive to climb higher and higher. Absolutely. And that is what you're doing. Thank you so much for being on the show. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you. तो दोस्तों ये थे शांतनु मोहित्रा जी. इनकी जुबानी आपने सुनी इनका पैशन फॉर म्यूजिक कितना है इनका पैशन टू गिव टू सोसाइटी समथिंग ऑफ विच पोस्टेरिटी विल बी प्राउड. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईडीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिज स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.